अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है आर्थ्रोपोड्स का रिप्रोडक्टिव सिस्टम या आर्थ्रोपोड्स की रिप्रोडक्शन कैसे होती है। ठीक है, आज ही हम देखेंगे। तो आर्थ्रोपोड्स के अंदर जो होती है वो सेपरेट सक्सेस प्रेजेंट होती है। ठीक है, सेपरेट सक्सेस प्रेजेंट होती है, मेटिंग के थ्रू जो है वो प्रोडक्शन होती है फर्टाइल एग्स की। ठीक है, इसके बाद अगर इन सम आर्थ्रोपोड्स अगर मेल्स एबसेंट होंगे तो फिर फीमेल जो है वो पार्थिनोजेनेसिस की तरफ जाएगी। पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है कि डेवलपमेंट ऑफ अनफर्टिलाइज एग्स, यानी ये एग फर्टिलाइज नहीं हुआ होता और इससे आगे डेवलपमेंट हो जाती है और फीमेल जो है वो अपनी जेनेटिक कॉपीज प्रोड्यूस कर लेती है। ठीक है, उसके बाद मोस्टली आर्थ्रोपोड्स जो है वो एग्स ले करते हैं। ठीक है, मोस्टली आर्थ्रोपोड्स क्या करेंगे, एग्स ले करेंगे। उसके बाद फ्लैश फ्लाइज जो होती हैं वो क्या करती हैं, वो ओवोविविपेरस होती हैं। ओवोविविपेरस क्या होते हैं कि ये जो फीमेल होती है, मदर जो होती है, वो एग्स ले करती है, लेकिन वो बॉडी के अंदर ही है, मतलब बॉडी के अंदर ही एग्स जो है वो रहते हैं और अनटिल दे हैच। ठीक है, उसके बाद तो फ्लैश फ्लाइज भी क्या है, ओवोविविपेरस है, ये रिटेन करेंगी एग्स को इंटरनली अंटिल दे हैच, यानी जब तक वो हैच नहीं कर जाता ये रिटेन करेंगी एग्स को इंटरनली ही। उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ट्रैक्ट के अंदर अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंदर पेयर ऑफ ओवरीज प्रेजेंट होगी। क्या होगी, पेयर ऑफ ओवरीज प्रेजेंट होंगी। ठीक है, इसके बाद ओवरीज जो है वो आगे डिवाइडेड होंगी एग ट्यूब्स या ओवरियोल्स में। पेयर ऑफ ओवरीज है, ओवरीज किस में डिवाइडेड है, एग ट्यूब्स में या ओवरियोल्स में। ठीक है, ओवरियोल्स जो है वो आगे जाके ज्वाइन करे होंगे लेटरल ओविडक्ट को। अब ओविडक्ट वो चीज़ होती है जो जो है वो एग को कैरी कर रही होती है ओवरी से लेके। ठीक है, तो ओवरियोल्स जो है वो आगे जाके किसको ज्वाइन करेंगे, लेटरल ओविडक्ट को। लेटरल ओविडक्ट आगे जो है वो मीडियन ओविडक्ट को मीट कर रही होगी और मीडियन ओविडक्ट जो है वो एंड हो रही होगी ओविपॉजिटर में। ओविपॉजिटर वो ऑर्गन या वो जगह होती है जहाँ पे इंसेक्ट्स जो है अपने एग्स को डिपॉजिट करते हैं। ठीक है, तो पेयर ऑफ ओवरीज, ओवरीज डिवाइडेड है एग ट्यूब्स में ओवरियोल्स में। ओवरियोल्स जो है वो आगे जाके ज्वाइन करें लेटरल ओविडक्ट को, लेटरल ओविडक्ट जो है वो मीट करी है मीडियन ओविडक्ट को, मीडियन ओविडक्ट आगे जाके ओविपॉजिटर में एंड होती है। ओविपॉजिटर वो पोर्शन है जिसके अंदर एग्स डिपॉजिट होते हैं। ठीक है, इसके बाद मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक की बात करें तो मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जो है वो पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट है, पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट है और टेस्टिस जो है वो सब डिवाइडेड है स्पर्म ट्यूब्स में या फॉलिकल्स में। टेस्टिस किस चीज में सब डिवाइडेड है, स्पर्म ट्यूब्स में या फॉलिकल्स में। फॉलिकल्स जो होंगे वो आगे जाके ज्वाइन करे होंगे वैस डेफरेंस को। ठीक है, फॉलिकल जब वास डेफरेंस को ज्वाइन करेंगे तो वास डेफरेंस जो है वो आगे एक्सपेंड हुआ हुआ होगा सेमिनल वेसिकल में। वास डेफरेंस किस चीज़ में एक्सपेंड हुआ हुआ है, सेमिनल वेसिकल में। सेमिनल वेसिकल वो जगह है जहाँ पे स्पर्म स्टोर हो रहा होता है। ठीक है, इसके बाद वास डेफरेंस जो होता है वो आगे जाके ज्वाइन कर रहा होता है कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट को। वास डेफरेंस किस चीज़ को जो है वो ज्वाइन कर रहा है, कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट को ज्वाइन कर रहा है और कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट जो है वो एंड होती है एक्सटर्नल जेनिटेलिया में और एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंदर ये पेनिस, ये इसे हम पीनिस कहते हैं या एडिजस कहते हैं। ठीक है, तो क्या है कि वास डेफरेंस जो है वो कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट को ज्वाइन करेगा, कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट आगे जाके जो है वो एक्सटर्नल जेनिटेलिया में एंड हो जाएगी जिसके पास अंदर जो है वो पीनिस या एडिगस प्रेजेंट है। ठीक है, और जब कॉपुलेशन होती है तो फीमेल का जो मीडियन ओविडक्ट का पोर्शन है वो एक्सपैंड हो जाता है टू रिसीव द पीनिस और एडिगस ड्यूरिंग कॉपुलेशन। ठीक है, इसके बाद मेल्स के अंदर जो है एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होगी। एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स जो होंगी वो प्रोड्यूस करेंगी सिक्रीशंस। सिक्रीशंस जो होगी वो इन पैकेट फॉर्म प्रोड्यूस होगी और इस पैकेट को हम कहेंगे स्पर्मेटोफोर। सिक्रीशंस किस फॉर्म में प्रोड्यूस हुई, पैकेट के फॉर्म में, और पैकेट को हमने क्या कह दिया, स्पर्मेटोफोर है। स्पर्मेटोफोर जो है वो स्पर्म को इनक्लोज भी कर रहा होता है, स्पर्म को प्रोटेक्ट भी कर रहा होता है ड्यूरिंग इनसेमिनेशन। ठीक है, स्पर्मेटोफोर क्या कर रहा है, स्पर्म को इनक्लोज भी कर रहा है और इसे प्रोटेक्ट भी कर रहा है ड्यूरिंग इनसेमिनेशन।